The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Forensic Classes by Diksha and make your NET Forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. Application के लिंक आपको description में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे download कर सकते हैं. आप Play Store से भी इसे download कर सकते हैं and App Store से भी इसे download कर सकते हैं. जैसे आप application download करेंगे, आपको login करना होगा. login करने के बाद आप store पे click कर सकते हैं. store में आपको course list मिलेगी. इस course list में से आप अपना desired course select कर सकते हैं and enroll कर सकते हैं. For example, अगर मैं Forensic Science and Net की preparation कर रही हूँ, तो मैं Forensic Science Net का course select करूँगी. अगर मैं Criminology की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ या मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, video lectures, PDF, study material, mock test, PVRC और question paper, everything. Study material course में आपको सिर्फ और सिर्फ study material, previous year question papers और mock test मिलते हैं, video lectures उसमें included नहीं होते हैं. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now, you can join these classes according to your preparation and start preparing with us. एंटीबॉडीज क्या है, बेसिक जो पॉइंट्स है एंटीबॉडीज की, तो एंटीबॉडीज वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस होती है इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से. दीज आर द प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय द बॉडी फॉर इम्यून रिस्पॉन्स. तो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, जब कोई भी, मैंने बताया, फॉरेन सब्सटेंस आपकी बॉडी में एंटर करता है तब उसे क्लियर करने के लिए, उसे भगाने के लिए जो प्रोटीन्स बनते हैं कि वो जाके उसे किल करें, तो ये जो रिस्पॉन्स होता है ये इम्यून रिस्पॉन्स होता है. और ये जो प्रोटीन्स का क्रिएशन हुआ, दीज आर नथिंग बट एंटीबॉडीज. क्या है ये, एंटीबॉडीज हैं. These are the key reagent and its success depend upon the reactions. तो reaction पे depend करेगा, जो antibody का success है वो reaction पे depend करेगा कि जब वो antigen से react करेगा तो antigen को bind कर रहा है नहीं कर रहा है, उसे deactivate कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो depend करता है उस उन दो antigen antibody के reaction पे. They can be polyclonal क्लोनल एंड मोनोक्लोनल. तो वो पॉलीक्लोनल भी हो सकते हैं, मोनोक्लोनल भी हो सकते हैं. पॉलीक्लोनल क्या होते हैं, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स. तो जो ये जो बाइंड, हम इसे कह सकते हैं कि ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है और ये आपके बाइंडिंग साइट्स हैं, ये आपके बाइंडिंग साइट्स हैं. और यही बाइंडिंग साइट्स एंटीजन के बाइंडिंग साइट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. कि आप ये एंटीबॉडी के बाइंडिंग साइट्स ये देखते हैं कि एंटीजन उनके स्पेसिफिक है या नहीं है. तो यही बाइंडिंग साइट्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं वो एरिया जहाँ पे जाके एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड होते हैं. तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज वो एंटीबॉडीज होते हैं जो कि एंटीजन के मल्टीपल एरिया या मल्टीपल इपिटोप्स को डिटेक्ट करते हैं. इपिटोप क्या होता है, इपिटोप इज द एरिया जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी से आके जॉइंट होता है या एंटीजन एंटीबॉडी पे आके कनेक्ट होता है. तो ये जो एरिया होते हैं उन्हें हम कहते हैं इपिटोप्स. तो जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं वो मल्टीपल इपिटोप्स डिटेक्ट करता है. अब जैसे मैंने बोला कि एंटीजन एंटीबॉडी में भी की एंड लॉक वाला सिस्टम लगता है, की और लॉक सिस्टम लगता है. अगर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है तो एंटीजन जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा वही आके इसे बाइंड करेगा. ये है एंटीबॉडी, ये है एंटीजन. फॉर एग्जांपल, तो एंटीजन, अब
कोई ऐसे स्टार शेप का एंटीजन है वो वाई शेप के एंटीबॉडी को बाइंड नहीं कर सकता. तो बाइंडिंग साइट एंटीबॉडीज के स्पेसिफिक होते हैं टुवर्ड्स देयर एंटीजन, क्योंकि एंटीजन ही जेनरेट करती है एंटीबॉडीज को. तो ये जो एंटीबॉडीज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पॉलीक्लोनल हो सकते हैं और मोनोक्लोनल हो सकते हैं. तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वो होते हैं जो कि सिर्फ एक ही तरीके के साइट को डिटेक्ट करते हैं या एक ही टाइप के एंटीजन एपिटोप्स को डिटेक्ट करते हैं. पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज वो होते हैं जो कि मल्टीपल एपिटोप्स को डिटेक्ट करते हैं और मल्टीपल एपिटोप्स पे जाके बाइंड होते हैं. तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर मोर गुड. क्यों गुड है ज़्यादा, मोनोक्लोनल क्यों गुड है, बिकॉज दे आर हाईली स्पेसिफिक. क्योंकि ये एक ही तरीके के एपिटोप को ही बाइंड करते हैं, एक ही तरीके के एरिया को पहचानते हैं और वहीं पर ही जाके बाइंड होते हैं. और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं ये ज़्यादा अच्छे होते हैं बिकॉज स्पेसिफिक फॉर द सिग्नल एपिटोप एंड मोनोवोलेंट एंटीजन ऑन अ मोनोवैलेंट एंटीजन. तो मोनोवैलेंट एंटीजन मीन्स एक एंटीजन और उसके एक पर्टिकुलर एपिटोप को ही डिटेक्ट करते हैं. दैट्स वाई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर बेटर देन द पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, क्योंकि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज क्या एक ही एंटीजन के डिफरेंट डिफरेंट एपिटोप को डिटेक्ट करती है. पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज एंटी सीरम कंटेन मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज दैट रिकोगनाइज एंड बाइंड सेम एंटीजन बट डिफरेंट एपिटोप्स. तो ये जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं वो सेम एंटीजन रिकॉग्नाइज करते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरा एंटीजन रिकॉग्नाइज कर लेंगे, सेम एंटीजन रिकॉग्नाइज करते हैं बट उस एंटीजन के मल्टीपल एपिटोप्स में कोई भी एपिटोप डिटेक्ट कर लेते हैं. तो यही होता है कि मोनोक्लोनल होता है वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एपिटोप डिटेक्ट करता है, बट पॉलीक्लोनल के साथ क्या है सेम एंटीजन के जो डिफरेंट एपिटोप्स है उस पर भी जाके बाइंड हो जाता है. एन एंटीजन दैट हैव मल्टीपल एपिटोप कॉल्ड मल्टीवैलेंट एंटीजन. और वो एंटीजन जिनके खूब सारे एपिटोप्स होते हैं या जिनके बहुत सारे बाइंडिंग साइट्स होते हैं उन्हें हम मल्टीवैलेंट एंटीजन कहते हैं, और इन्हें जो बाइंड करते हैं उन्हें मल्टीवैलेंट उन्हें हम जो इन्हें आके बाइंड करते हैं उन्हें पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं. और वो एंटीजन्स जिन पर डिफरेंट टाइप के एपिटोप्स होते हैं उन्हें हम मल्टीवैलेंट एंटीजन कहते हैं. But immunoassay develop using polyclonal antibodies because it is possible to generate the antibodies with a high affinity to analyte. तो जो इम्यूनोएसे है वो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी यूज़ करती है. क्यों यूज़ करती है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ जो ये जेनरेटेड एंटीबॉडीज़ होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं एनालाइट को लेके. एनालाइट क्या है, आपका सैम्पल जिसको आपको एनालाइज जिसे करना है. तो जो एनालिसिस करने के मटेरियल होते हैं वो उसके टूवर्ड्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज. दैट्स वाई वी यूज़ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज भी हम यूज़ करते हैं. अब हम ये देख रहे थे कि ये है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर. तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर में ये एक हैवी चेन होती है, दूसरी लाइट चेन होती है. ये जो लाइट कलर की आपको दिख रही है दिस इज लाइट चेन, और ये वाली चेन हैवी चेन होती है. ये जो एरिया होता है दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट. ये जो एरिया होता है यहाँ पे आके एंटीजन बाइंड होते हैं, स्पेसिफिक एंटीजन आके बाइंड होते हैं. अब ये जो रीजन है ये कॉन्स्टेंट होता है, ये जो रीजन है ये कॉन्स्टेंट रीजन होता है एंटीबॉडीज का. बट ये जो एरिया होता है हाईली वेरिएबल होता है और ये चेंज होता रहता है. क्यों चेंज होता रहता है, टू डिटेक्ट द एंटीजन और एंटीजन के एपिटोप्स को डिटेक्ट करने के लिए ये एरिया चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल ये एंटीजन है, एंटीजन आके बाइंड हो रही है अपनी स्पेसिफिक साइट में. ये आपकी हेवी चेन है, ये आपकी लाइट चेन है, एंड ये जो एरिया है जो डार्क एरिया दिख रहा है ये है हाईली वेरिएबल एरिया, हैवी सेंसिटिव एरिया. और ये जो एरिया है वो कॉन्स्टेंट एरिया, वो कॉन्स्टेंट ही हमेशा रहता है एंटीबॉडीज में. जो एंटीबॉडीज होते हैं उनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है और सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा ये होते हैं. एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन आर द सब्सटेंस कैपेबल ऑफ कॉजिंग इम्यून रिस्पॉन्स. तो वो सारे सब्सटेंसेस जो बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स कॉज कर देते हैं एंड लीड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. और एंटीबॉडीज बनाने के लिए जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है उसे स्टार्ट कर देते हैं वो कहलाते हैं एंटीजन्स. ठीक है, द बाइंडिंग एरियाज आर कॉल्ड एपिटोप्स, जो हमने बोला. तो एंटीजन के वो एरियाज, वो जहाँ पे जाके एंटीबॉडीज बाइंड होता है बाइंडिंग एरियाज को हम कहते हैं एपिटोप. क्या कहते हैं, एपिटोप. एंटीबॉडीज आर एंटीजन स्पेसिफिक एंड ओनली बाइंड्स टू द एंटीजन विच स्टार्टेड देयर प्रोडक्शन. तो वही एंटीजन जिसने एंटीबॉडी का जेनरेशन किया है, जेनरेशन कब होगा, जब वो एंटीजन बॉडी में एंटर करेगी. तो ये एंटीजन फॉर एग्जांपल स्टार एंटीजन बॉडी में एंटर करती है और
स्टार एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शुरू करती है। तो हमेशा स्टार एंटीजन स्टार एंटीबॉडी से ही जाके बाइंड होगी। ये दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो एंटीजन्स हैं एंटीजन्स है वही इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करके उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो आके उसे बाइंड करेगी उसका जनरेशन करती है। इसीलिए ही ये स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि जो एंटीजन है उसका जो इपिटोप है वो ट्राइंगल शेप का है, तो ये ट्राइंगल शेप का जो एंटीजन है ये प्रोड्यूस करेगा ट्राइंगल शेप के एंटीबॉडी को, तब जाके ये एंटीजन ट्राइंगल शेप को जो ये कंज्यूम कर ले। फॉर एग्जांपल एक बार फिर से बनाते हैं, तो ये जो एंटीजन है जो ट्राइंगल शेप एंटीजन है वो प्रोड्यूस करेगा ऐसी एंटीबॉडी, ताकि ये एंटीजन आके यहाँ पे बाइंड हो जाए और ये बाइंड होके आगे की प्रोसेस करे। मीन्स ये बाइंड होके, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई वायरस है, वायरस बॉडी में एंटर हुआ, बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट किया और ये वायरस एंटीबॉडी क्रिएट हुई। अब ये वायरस एंटीबॉडी क्रिएट हुई तो ये वायरस एंटीजन और एंटीबॉडी ऐसे जाके बाइंड हो जाएगी और इस वायरस को इनएक्टिव कर देगी। इस वायरस को इनएक्टिव कर दिया तो हमारी बॉडी उस वायरस के हार्मफुल इफेक्ट से बच जाती है। तो इसी वजह से कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या एंटीजन बॉडी में एंटर होता है तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी में आके इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर दे, दैट इज एंटीजन। तो एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के टूवर्ड्स, एक दूसरे की एफिनिटी बहुत स्पेसिफिक होती है, बिकॉज वही एंटीजन एंटीबॉडीज को क्रिएट करते हैं या उनको प्रोडक्शन के लिए इनिशिएट करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के स्पेसिफिक होते हैं। इसके अलावा